संसार का यह स्वयं सिद्ध सत्य है, कि जिसका जन्म होता है उसे एक न एक दिन मृत्यु की दहलीज से अवश्य गुजरना पड़ता है। जो लोग जिजीविषा से ग्रस्त होते हैं, जीवन के प्रति आसक्त होते हैं, वे लोग मृत्यु का नाम सुनने मात्र से ही कंपायमान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक नियति, प्रकृति और सृष्टि की व्यवस्था को समझ लिया करते हैं, वे लोग मृत्यु का नाम सुनकर जीवन और जगत के प्रति और अधिक अनासक्त हो जाया करते हैं। होता यह है कि एक ओर इंसान के सामने जीवन उपस्थित होता है और दूसरी ओर मृत्यु उपस्थित होती है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने जीवन का चयन करना पसंद करेगा। मृत्यु उसे लगता है जैसे जीवन की कोई मजबूरी है। लेकिन जीवन का सत्य यह बताता है कि मृत्यु इंसान की मजबूरी नहीं है, वरन मृत्यु प्रत्येक प्राणी की एक व्यवस्था है। जैसे घर के बुजुर्गों की अपनी एक व्यवस्था होती है, परिवार की अपनी मर्यादा होती है, ऐसे ही जीवन और जगत की भी अपनी एक व्यवस्था और मर्यादा हुआ करती है। और उसी मर्यादा और व्यवस्था के चलते हुए मृत्यु सहज रूप में आती है, और जो मृत्यु के रहस्य से वाकिफ हो जाते हैं वे सहज रूप में ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। बेहतर होगा कि इंसान कभी कभी नदिया के किनारे जाकर बैठे और आती जाती लहरों को देखे, बहते हुए पानी को देखे, सरोवर के किनारे बैठे और वहां बैठकर आती जाती लहरों को देखे, तो लहरों का उठना इंसान के सामने जन्म का प्रतीक बनेगा और लहरों का गिरना इंसान के सामने मृत्यु का। बेहतर होगा कि इंसान कभी कभी दीपक जलाकर उस लौ को देखने का प्रयत्न करे तो उसे एहसास होगा कि दीपक तभी तक जलता है जब तक उस दीपक में तेल होता है। हमारा जीवन भी तभी तक चलता है जब तक उसके साथ आयुष्य का तेल जुड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही तेल खत्म कि दीपक खत्म। माटी का मूल्य नहीं है, बाती का मूल्य नहीं है, वे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन दीपक के जलने के पीछे अगर किसी की भूमिका है तो वो तेल की है। ये तेल, ये हमारे जीवन के संस्कार हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी प्रकृतियां हैं कि जिनके चलते वो तेल का काम करते हैं और जीवन का दीपक बार बार जलता है और बार बार बुझता है। मेरी समझ से हर किसी इंसान को प्रकृति की गोद में बैठना चाहिए और प्रकृति के मर्म को समझना चाहिए। तो उसे समझना चाहिए कि कोई बीज बीज नहीं रहता, वो बीज कभी बरगद भी बन सकता है, और कोई बरगद हमेशा बरगद ही नहीं रहेगा, कभी ना कभी वापस वो बीज भी बन सकता है। तो एक तरह से ये साइकिल चलती रहती है, कभी बीज से बरगद और कभी बरगद से बीज, तो जन्म से मृत्यु और मृत्यु से वापस जन्म, वाटर साइकिल की तरह, कभी चक्का नीचे का ऊपर और कभी ऊपर का नीचे, ये व्यवस्था सहज रूप में चलती रहती है। प्रकृति के सानिध्य में बैठने की बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में बैठकर ही हम अपनी मृत्यु के प्रति अनासक्त हो सकते हैं, मृत्यु से निर्भय हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने मर्म समझ लिया,
कि प्रकृति की व्यवस्था है कि सुबह सूरज उगता है तो सांझ को वापस ढलता भी है, और रोज ब रोज सूरज के उगने और अस्त होने को धैर्यपूर्वक समझने के बाद व्यक्ति अपने जन्म और मरण के प्रति भी सहज हो जाता है। मैंने कहा कि उगते हुए सूरज को इंसान देखे, अगर ऋतुएं बदल रही हैं तो इन बदलती हुई ऋतुओं को भी इंसान देखे, इसलिए देखे ताकि वो अपने जीवन को भी समझ पाए और समझ पाए कि गर्मी कभी सर्दी में बदल जाती है और सर्दी कभी गर्मी में बदल जाती है। हमारा जीवन भी ऐसे ही जन्म में कभी मृत्यु में बदल जाता है, जन्म से और कभी मृत्यु से वापस जन्म में बदल जाता है। किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी आत्मविजय यही है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को जीत ले, या अपनी मृत्यु के प्रति सहज बन जाए, या अपनी मृत्यु के प्रति अनासक्त बन जाए, क्योंकि ये मृत्यु ही ऐसी चीज है जो कि हमें बार 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 हमें जीवन के प्रति खींचती रहती है कि नहीं और जी लें और जी लें। नहीं, डर लगता है, मरने से डर लगता है, भय लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मृत्यु की प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करने से मृत्यु आती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान जीवन की प्रार्थना करे तो जीवन ही आए। प्रकृति की एक व्यवस्था है, सब कुछ यहां क्रमबद्ध चलता रहता है, जन्म भी मृत्यु भी संयोग भी वियोग भी खिलना भी मुरझाना भी मिलना भी और बिछुड़ना भी। तो जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि मिलने के साथ बिछुड़ने का सत्य जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति प्रेम तो कर सकेगा पर मोह और ममता में अंधा नहीं होगा। कल ही मैं एक बात लिख रहा था कि जिस बात का सार यह था कि अगर कोई भी इंसान मोह ममता में अंधा हो जाएगा, उस व्यक्ति की हालत किसी धृतराष्ट्र की तरह हो जाएगी जिसकी औलाद सदा दुःशासन और दुर्योधन जैसी ही बनेगी। जीवन को जीना एक सौभाग्य है, जीवन ईश्वर का प्रसाद है, लेकिन मृत्यु से भय खाकर के जीवन को जीना, जीवन से चिपके हुए रहना, यह इंसान का अंधा मोह है। सहज रूप में जीवन जिए और जब मृत्यु आने लगे तो उसको भी सहज रूप से आलिंगनबद्ध कर लें। मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि मृत्यु जीवन का उपसंहार है। मेरे लिए जीवन किसी एक पवित्र तीर्थ यात्रा के समान है। यह अलग बात है कि दुनिया के लोग पहाड़ों की तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंदिरों की तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को तीर्थ समझ लिया उसके लिए तो जीवन को जीना वो भी किसी एक पवित्र तीर्थ यात्रा के समान होता है। जन्म के साथ ये यात्रा शुरू होती है और मृत्यु पर जाकर यह तीर्थ यात्रा पूरी हुआ करती है। तो जिस व्यक्ति को यह बात एहसास में आ चुकी है कि मृत्यु पर जाकर के यह तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है, वो मृत्यु से क्यों डरेगा, वो सहजता से मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो मृत्यु से डरते हैं और दूसरे वे जो मृत्यु से निर्भय रहते हैं। तो मृत्यु से डरने वाले लोग वे हमेशा इस बात की प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान मुझे बचाना, हे भगवान कोई संकट आ जाए तो मेरी रक्षा करना। वो हमेशा डरे हुए रहेंगे, वे आत्मविजेता कभी नहीं बन सकते। तो ऐसे लोग जो हमेशा मृत्यु से डरे हुए रहते हैं वे चिपके हुए रहेंगे। मैंने पहले कभी एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और कहानी का सार यह है कि
एक बार श्री भगवान ने नारद से कहा था कि भाई तुम धरती पर जाते हो तो वहां से अगर तुम किसी को लाना चाहो अपने साथ बैकुंठ लोक में तो ले आना। शायद श्री भगवान नारद को कोई ज्ञान की किरण देना चाहते हो, तो नारद जी रवाना होकर के आए धरती पर और जब जाने लगे तो उन्हें श्री भगवान की बात याद आ गई। उनकी सीधी नजर एक चौधरी के घर पर पड़ी तो वे सीधे उसी की छत पर उतर गए, नीचे पहुंचे। चौधरी पूजा पाठ की तैयारी कर रहा था। नारद जी ने श्री भगवान का संदेश चौधरी को सुनाया और कहा कि आओ भाई चलो स्वर्गलोक चलते हैं। चौधरी ने कहा अरे महर्षि जी ब्रह्मज्ञानी जी आप भी कौन सी बात करने लग गए हैं, अभी तो मुझे बेटी ब्याहनी है, अभी तो कई मामले निपटाने हैं, अभी तो कई तरह की लेन देन करनी है। महाराज अभी मैं स्वर्ग लोक नहीं चल सकता, अभी मुझे मृत्यु, मैंने मृत्यु के बारे में सोचा ही नहीं अभी तक, और आप कहते हैं कि चलो स्वर्ग लोक बैकुंठ, मुझे अभी नहीं मरना है। कहते हैं कि नारद जी को तो पता था कि यह आदमी जो बेटी के ब्याहने की बात सोच रहा है इसकी तो दो घड़ी के बाद मौत होने वाली है, क्योंकि वो वैसे ही आदमी को ले जाना चाहते थे कि अभी मरने वाला है और उसको बैकुंठ ले जाता हूं, नहीं तो यमदूत अगर आ गए तो ले जाएंगे नरक लोक में, बोले तो स्वर्ग लोक ले जाता हूं, मुक्ति दे देता हूं, श्री भगवान के पास ले जाता हूं। दो घड़ी के बाद मौत हो गई तो नारद जी के साथ चलने को तो वो तैयार नहीं हुआ, तो मरने के बाद वापस उसी घर में पैदा हो गया, तो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। तो नारद जी रवाना हो गए, फिर वापस लौट कर आए कि शायद अब